हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपको घर के ही सामान से सूजी से ऐसा नाश्ता बनाना बताऊंगी जो कि स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ये बहुत ही कम तेल में बनता है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप सूजी ली है, आप इसमें बारीक मोटी कोई सी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है, आप घर का कोई भी कप या कटोरी उसका एक नाप बना लें। जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैं 1 कप दही ले रही हूँ। ये हल्का सा खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा आपको दही इसमें यूज़ नहीं करना है। 1 कप पानी डालेंगे। जिस कप से मैंने सूजी और दही लिया था उसी कप से मैंने पानी भी लिया है। अब हम इसमें 1 इंच अदरक डालेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्ची, 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमने अदरक और हरी मिर्ची डाली थी इसलिए हम इसे छान लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा पेस्ट तैयार। अब देखिए इस तरीके से स्पून में कोटिंग हो जानी चाहिए, मतलब हमारा पेस्ट एकदम परफेक्ट है। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इससे नाश्ता दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। 8 से 10 पत्ते मैंने मीठे नीम के लिए हैं, इसे हम बारीक काट लेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नाश्ते को स्टीम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास स्टीमर है तो आप वो यूज़ करें या फिर कोई सा भी बर्तन इस तरीके से ले लें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही हम डालेंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से हम छलनी रख देंगे या फिर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो रख दें। तो देखिए छलनी के इतना नीचे मैंने पानी रखा है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। अब हम गैस की फ्लेम चालू करके पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने बड़ी थाली ली है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम ग्रीस कर लेंगे। तेल लगाने से हमारा नाश्ता चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इसमें हम सिर्फ 2.5 चम्मच पेस्ट ही डालेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत पतला बनाना है। इस तरह से हम इसे चारों तरफ फैला लेंगे। पानी गर्म हो गया है, हम इसे रख देते हैं और हमें इसे ढककर सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है। 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, तो हम इसे ढक देते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। चाकू लगाकर हम चेक कर लेते हैं, ये चाकू में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ इसे 1 मिनट ठंडा करना है और इसे हम गरम गरम कट करेंगे और इसे हम 2-2 इंच की गैप में कट करेंगे। देखिए इसे मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से निकल रहा है। अब आप देखिए ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, तो हम नीचे का भाग ऊपर रखेंगे और इसे हम धीरे धीरे इस तरह से रोल करेंगे। इसे हम आधा रोल ही करेंगे और कट कर देंगे। आपको इसे गरम गरम ही बनाना है, अगर आप ठंडा कर देंगे तो इस तरह से ये रोल नहीं बनेंगे। इस तरह से आप सभी रोल्स बना लें और देखिए बनने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, 8 से 10 मीठे नीम की पत्तियाँ, 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को हम थोड़ा सा पका लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेंगे। 1/4 चम्मच मतलब 2 चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
अब हमने जो सूजी के रोल्स बनाए थे वो सभी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आपको चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने अभी आपको आधे पेस्टे के ही रोल बनाकर बताए हैं।